धरा पर परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री, आज पूरा बिहार स्वयं को आनंदित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा है। समर्पित, प्रगतिशील, हर दिल में विकास की ललक जगाने वाले, आत्मविश्वास और गौरव भाव का बोध कराने वाले, निष्काम कर्मयोग के साधक हम सब के प्रिय प्रधानमंत्री जी को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रेल मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 12,800 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। और माननीय मंत्री प्रधानमंत्री जी का स्वागत या स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए और उन्हें यह अंग वस्त्रम भेंट करते हुए जोरदार तालियों के साथ, पुरजोर तालियों के उद्घोष के साथ हम अपना सम्मान पहुंचाएं। और ये स्थानीय जीआई टैग प्राप्त उत्पाद मिर्चा चूड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करते हुए, मैं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री विजय कुमार सिन्हा जी से संयुक्त रूप से अनुरोध करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्पहार से अभिनंदन करें। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं पश्चिम चंपारण बेतिया के माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी को स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूं। महात्मा गांधी की कर्मभूमि और लवकुश की जन्मभूमि की इस धरती पर हम सब अपने परिवार के सबसे प्रमुख सदस्य, इस देश के प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार मैं जोर आपसे अनुरोध करूंगा, जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। 1200 सालों पहले जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने चार धाम की स्थापना की थी। वह द्वारिका धाम, बद्री धाम, जगन्नाथपुरी धाम और रामकेश्वर रामेश्वर धाम की स्थापना उन्होंने किया था। पर 1200 साल बाद इस देश के हृदय में अयोध्या धाम की स्थापना करने का काम किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और इसके लिए सदियों तक भारत उनका आभारी रहेगा, भारत उनका ऋणी रहेगा। हर गरीब के घर में अगर शौचालय है, हर गरीब के घर में अगर गैस है, हर गरीब के घर में बिजली है, हर गरीब के घर में को अगर मकान मिला है, हर गरीब के घर को मुफ्त अनाज मिला है, हर गरीब के घर को 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा मिली है, तो यह केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही संभव सका है। मैं आप सभा से कहूंगा, जोरदार नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, सियापति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। अब मैं माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री विजय कुमार चौधरी जी को संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय, मंच पर विराजे सभी केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक और यहाँ उपस्थित देवियों सज्जनों, सबसे तो पहले हम बिहार की जनता की तरफ से इस ज्ञान और अध्यात्म की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और महोदय, आपने तो देश का नाम चमकाया है। पूरे विश्व में जब प्रगति की दर मात्र 3% है, तब आपने पूरे विश्व के औसत से दुगुने से भी अधिक, 7% से अधिक की तरक्की करके देश में का नाम रोशन किया है। और महोदय, अभी 2 दिन पहले जो आंकड़े आए हैं, पिछली जो तृतीय तिमाही के, उसमें तो 8.4% की तरक्की है, जो सारी दुनिया अचंभित है, जो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कितने तेज गति से तरक्की हो रही है। और महोदय, हम बिहारवासी भी पूरी मेहनत ईमानदारी से,
नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने भी सीमित संसाधनों में बहुत तेज तरक्की की है। हमारी तरक्की की रफ्तार भी 10.6% है, जो देश में सर्वाधिक है। लेकिन हम आपके सहयोग से, आपके नेतृत्व में और तेज गति से तरक्की करना चाहते हैं, और तेज गति से तरक्की करना चाहते हैं। हम पीछे नहीं छूटना चाहते हैं। महोदय, चुनाव सामने है। पिछली दफा भी हम लोग इसी गठबंधन में लड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय एक कसक रह गई थी कि हम 40 में 39 ही सीट दे पाए थे, लेकिन इस बार वो कसक हम बिहारवासी नहीं रहने देंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं, और मुख्यमंत्री ने कहा है 40 में 40 और आपने कहा है उधर 400 पार, वो होके रहेगा। महोदय, हम सिर्फ यही अंत में गुजारिश करके अपनी बात समाप्त करेंगे कि हम बिहार के लोग गरीब हैं, थोड़ा अपनी नजरे इनायत, कृपा दृष्टि और जो अधिक विशेष मदद का वरद हस्त है वो बिहार के सिर पर रखिए। आने वाले समय में आपने जो नया भारत का संकल्प लिया है, आपके नए भारत के साथ हम नया बिहार भी बनाएंगे। इसी के संकल्प के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से भी धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार श्रीमान। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी को संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूं। बोलिए, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चंपारण की इस धरती पर, भगवान लवकुश की इस धरती पर मैं दोनों हाथ फैलाकर आज प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं। और इस विकसित भारत, विकसित बिहार इस कार्यक्रम के माध्यम से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार में हजारों करोड़ रुपया, लगभग 20,000 करोड़ से अधिक की राशि का आज उद्घाटन और शिलान्यास करने आए हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि आपने जो इस देश के लिए सपना देखा है 2047 का भारत, इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने सपना नहीं देखा। और आज तक जो आपने कमिटमेंट किया था 2014 में देश की जनता के साथ कि 530 जो कमिटमेंट आपने लोगों से कमिटमेंट किया था, उसमें 529, ये पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 99% कमिटमेंट को पूरा करने का काम किया है। साथियों, इस देश में कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं। और इस बार 2019 से 2024 तक आपने कमिटमेंट में 234 में से 222, मतलब 95% से अधिक कमिटमेंट को पूरा करने का काम किया है। यही है मोदी की गारंटी। आज हम बिहार के लोग आपको पूर्ण रूप से भरोसा देते हैं, जिस तरह आपने मोदी की गारंटी के तौर पर इस देश को विकसित बनाने का काम किया है, उसी तरह बिहार के लोग भी आपके चुनाव में, 2024 के चुनाव में एक एक वोट देकर देश में 400 पार करे, इसका सपना भी बिहार की जनता साकार करने का काम करेगी। और लोग आप पे कमेंट करते हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है, लोग सोचते हैं कि उनके लिए राजनीति में उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, दूसरा बेटा, दूसरी बेटी, लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ जो देशवासी है और 14 करोड़ बिहारी है, वही परिवार है साथियों। और आपने जिस तरह मोदी की गारंटी दिया है गरीब कल्याण के लिए, हम लोगों ने तो देखा कि आज जिस तरह आपने डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से बिहार में बना है, आज हमने देखा कि पिछले मात्र 5 दिनों में पिछली बार आपको हमने बताया था कि 10 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ा। आज आपको बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि जहां
हमने 5 दिनों में 65 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ने का काम किया है। यही है मोदी की गारंटी। जिनको मैं तो पूछना चाहता हूं इस तमाम लोगों से कि जो लोगों को 5 किलो का अनाज मिल रहा है, उन लोगों को स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि अब 5 किलो अनाज भी मिलेगा और मोदी जी और नीतीश जी का 5 लाख का इलाज भी गरीब जनता को मिलने का काम करेगा। इसलिए आज हम मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है और बिहार भी आगे बढ़ रहा है। हम फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है और आपने जिस तरह मोदी की गारंटी में स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस देश में भ्रष्टाचारियों को हम नहीं छोड़ेंगे, तो हम लोगों ने भी बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने तय किया है कि बिहार में किसी भी कीमत पर माफियाओं को स्थापित नहीं होने देंगे, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, उसको बिहार छोड़कर जाना होगा। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार की जनता को आपने इतना बड़ा सौगात देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि कृपया रिमोट बटन दबाकर इन समस्त परियोजनाओं को साकार स्वरूप प्रदान करने की कृपा करें। आर्थिक विकास और नवीनीकरण की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए आइए हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मंचासीन अन्य विभूतियों के साथ आज के इन परियोजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर है बिहार के करोड़ों करोड़ लोगों को अटूट विश्वास, क्योंकि साथियों बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। तभी तो बीते 10 सालों में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए अभूतपूर्व निवेश हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले बिहार को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है और आज फिर प्रधानमंत्री जी बिहार को देने जा रहे हैं 12,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उपहार। रेलवे की परियोजनाओं में शामिल है बेतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास। इसके अंतर्गत किया जाएगा स्टेशन का सौंदर्यीकरण और आधुनिक यात्री सुविधाओं का विकास। गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेलखंड के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण का शिलान्यास। इससे बिहार के पश्चिमी चंपारण एवं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज जिलों के बीच मजबूत रेल कनेक्टिविटी स्थापित होगी। गेज परिवर्तित नरकटियागंज गौनाहा रेलखंड का उद्घाटन। इससे पश्चिमी चंपारण की नेपाल सीमा से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और बेतिया फ्लाईओवर के बेतिया लौरिया हिस्से का उद्घाटन। बापूधाम मोतिहारी पिपराहा रेलखंड के दोहरीकरण का राष्ट्र को समर्पण। इससे मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण के बीच बेहतर रेल कनेक्टिविटी होगी स्थापित और नरकटियागंज गौनाहा रेल सेवा एवं रक्सौल जोगबनी एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। इससे क्षेत्र के दैनिक यात्रियों को फायदा होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं पेट्रोलियम सेक्टर के इंडियन ऑयल पाइपलाइन टर्मिनल मोतिहारी
एवं इंडियन ऑयल मोतिहारी एलपीजी प्लांट का राष्ट्र को समर्पण। इससे बिहार के गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण एवं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया जिलों के 28 लाख उपभोक्ताओं तक एलपीजी की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही प्रति वर्ष लॉजिस्टिक की लागत में 51 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी एवं कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी। वहीं मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन के उद्घाटन से मोतिहारी और नेपाल तक एलपीजी की आपूर्ति होगी सुनिश्चित। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और देवरिया में शहरी गैस वितरण परियोजना के शिलान्यास से इन जिलों के निवासियों तक स्वच्छ और हरित ईंधन की आपूर्ति होगी सुनिश्चित एवं HBL की सुगौली और लौरिया में अनाज आधारित इथेनॉल परियोजनाओं के शिलान्यास से इथेनॉल उत्पादन को गति मिलेगी। साथ ही स्थानीय किसानों की आर्थिक प्रगति का मार्ग भी होगा प्रशस्त। बिहार राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत बने 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित पीपरा कोठी, मोतिहारी, रक्सौल खंड एवं 2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ शिवहर सीतामढ़ी खंड के उद्घाटन से मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं नेपाल के बीच सुदृढ़ होगी रोड कनेक्टिविटी एवं व्यापारिक गतिविधियों में होगी बढ़ोतरी। पटना बेतिया कॉरिडोर के अंतर्गत 4 लेन बरकरपुर हाट मानिकपुर खंड के और पटना में गंगा नदी पर दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर पश्चिम में 6 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड केबल ब्रिज की आधारशिला रखी जा रही है। बिहार में रोड कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने वाली इन परियोजनाओं से लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में विकास की यह रफ्तार बदलाती है कि डबल इंजन सरकार में बदलाव कितनी तेजी से होता है। बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, ये वादा नहीं है, ये संकल्प है, ये मिशन है। इस गरिमामय अवसर पर अब मैं अति विनम्रता पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया 2 नई रेलगाड़ियों नरकटियागंज गौनाहा एवं रक्सौल जोगबनी रेल सेवा को वीडियो लिंक के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करने की कृपा करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महोदय। उपस्थित अतिथियों, अद्भुत एवं विराट व्यक्तित्व के आशीर्वाद का हम सभी को लाभ लेना है, जिनकी संकल्प शक्ति को दैवीय आशीर्वाद एवं 140 करोड़ भारतीयों का आत्मसात प्राप्त है। मैं अति विनम्रता पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपनी अमृतमयी वाणी से अभिसिंचित करके हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। कृपया दोनों हाथों को उठाकर पुरजोर तालियों के उद्घोष के साथ अभिनंदन करें परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। महर्षि वाल्मीकि के कर्म भूमि, माता सीता के शरण भूमि और लवकुश के ई भूमि पर हम सबके प्रणाम करतानी। राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्यकर जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी नित्यानंद राय जी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, राज्य सरकार में मंत्री वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी जी, संतोष कुमार सुमन जी, सांसद संजय जायसवाल जी, राधा मोहन जी, सुनील कुमार जी, रमा देवी जी, सतीश चंद्र दुबे जी,
अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वो भूमि है जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में नए प्राण फूंके, नई चेतना का संचार किया। इसी धरती ने मोहनदास जी को महात्मा गांधी बना दिया। विकसित बिहार से विकसित भारत, इस संकल्प लेने के लिए बेतिया से बेहतर, चंपारण से बेहतर और कोई स्थान हो सकता है क्या बोला? और आज यहां इतनी बड़ी संख्या में आप सभी, हम एनडीए के सभी साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आए। आज बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों, लोकसभा क्षेत्रों से भी हजारों लोग विकसित भारत संकल्प इस कार्यक्रम में अपने अपने स्थान पर जुड़े हैं। मैं बिहार के सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबसे क्षमा भी मांगता हूं क्योंकि मुझे आने में जरा ज्यादा विलंब हो गया। मैं बंगाल में था और इन दिनों बंगाल का उत्साह भी कुछ और ही है। वहां 12 किलोमीटर का रोड शो था तो बड़ी मुश्किल से मैं समय कम करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इसके कारण लेट पहुंचा। आपको जो कठिनाई हुई इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जिसने सदियों तक देश का नेतृत्व किया है। बिहार वो धरती है जिसने एक से बढ़कर एक प्रतिभावान व्यक्तित्व मां भारती को दिए हैं। और ये सच्चाई है, जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। मुझे खुशी है कि बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। आज भी करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार बिहार को मिला है। इसमें रेल, रोड, इथेनॉल प्लांट, सिटी गैस सप्लाई, एलपीजी गैस, ऐसी अनेक अहम परियोजनाएं शामिल है। विकसित बिहार के लिए हम यही तेजी पकड़नी है, इसी तेजी को बनाए रखना है। आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में बिहार की एक बहुत बड़ी चुनौती रही है यहां से युवाओं का पलायन। जब बिहार में जंगल राज आया तो ये पलायन और ज्यादा बढ़ गया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की, बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में
रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया, क्या कोई भी व्यक्ति सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? माफ कर सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि बिहार के युवा को यहीं बिहार में नौकरी मिले, यहीं बिहार में रोजगार मिले। आज जिन हजारों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उसके मूल में भी यही भावना है। आखिर इन परियोजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी कौन है? इसका सबसे अधिक लाभ उन नौजवानों को होगा जो अभी रोजगार करना चाहते हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आज गंगा जी पर 6 लेन के केबल आधारित ब्रिज का शिलान्यास हुआ है। बिहार में 22,000 करोड़ रुपये से एक दर्जन से अधिक पुल पर काम चल रहा है, जिनमें से 5 पुल तो गंगा जी पर बन रहे हैं। ये पुल, ये चौड़े रास्ते ही वही तो विकास का मार्ग बनाते हैं, उद्योगों को लाते हैं। ये जो बिजली से चलने वाली ट्रेनें चल रही है, वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चलने लगी है, ये गति किसके लिए है? ये उन नौजवानों के लिए है जिनके माता पिता ने ऐसी सुविधाओं के सपने देखे थे। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम होता है। इसमें मजदूर हो, ड्राइवर हो, सर्विसेज से जुड़े लोग हो, इंजीनियर हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों के रोजगार इससे पैदा होते हैं। यानी ये जो हजारों करोड़ रुपए सरकार लगा रही है, ये पैसा बिहार के सामान्य परिवारों के पास ही पहुंचेगा। इससे रेत, पत्थर, ईंट, सीमेंट, स्टील, ऐसे अनेक उद्योगों को, फैक्ट्रियों को, छोटे छोटे दुकानों को बल मिलने वाला है। साथियों, ये जितनी भी नई ट्रेनें चल रही हैं, पटरियां बिछ रही हैं, ये सब कुछ आज भारत में ही बन रहा है। मेड इन इंडिया है, यानी इसमें भी
भारत के ही लोगों को रोजगार मिल रहा है। बिहार में भी रेल इंजन बनाने वाली आधुनिक फैक्ट्रियां एनडीए सरकार ने बनाई है। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया की बहुत बड़ी चर्चा है, और मैं आपको एक बात और बोलूं, आज कई विकसित देशों में भी ऐसी डिजिटल व्यवस्था नहीं है जो बेतिया में, चंपारण में उपलब्ध है। विदेशी नेता जब मुझसे मिलते हैं तो पूछते हैं कि मोदी जी, आपने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया? तब मैं उन्हें कहता हूं कि मोदी ने नहीं, ये भारत के नौजवानों ने किया है। मोदी ने तो भारत के हर युवा को उनके हर कदम पर साथ देने की गारंटी दी है, और विकसित बिहार के लिए आज यही गारंटी मैं बिहार के युवा को भी दे रहा हूं। और रउआ जानते बानी, मोदी के गारंटी मने गारंटी पूरा होके के गारंटी। साथियों, एक तरफ नया भारत बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। एनडीए की सरकार कह रही है कि हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर घर की छत पर सोलर प्लांट हो, उससे वो घर भी कमाए और उसे बिजली भी मुफ्त मिले। लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के ही भरोसे जी रही है। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। साथियों, आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? क्या आज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी अगर होते तो ये उनसे भी यही सवाल पूछते जो मोदी से पूछ रहे हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कट्टर समर्थक ये आज पूज्य बापू, जेपी लोहिया, बाबा साहब अंबेडकर को भी कटघरे में खड़ा करते। इन्होंने भी तो अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि देश के हर परिवार के लिए जीवन खपा दिया। साथियों, आपके सामने वो व्यक्ति है जिसने बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया था। बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे, लेकिन छठ पूजा पर, दिवाली पर घर जरूर लौटता है। लेकिन वे मोदी जिसने बचपन में ही घर छोड़ दिया, मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? मेरे लिए तो
पूरा भारत ही मेरा घर है, हर भारतवासी मेरा परिवार है। इसलिए आज हर भारतीय कह रहा है, हर गरीब, हर नौजवान कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं हम बानी मोदी के परिवार। साथियों, मैं गरीब की हर चिंता खत्म करना चाहता हूं, इसलिए मोदी अपने गरीब से गरीब परिवार को मुफ्त राशन दे रहा है, मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है। मैं चाहता हूं कि महिलाओं की जिंदगी से कठिनाइयां कम हो, इसलिए मोदी महिलाओं के नाम पक्के घर दे रहा है, टॉयलेट दे रहा है, बिजली पहुंचा रहा है, गैस का कनेक्शन लग रहा है, नल से जल की सुविधा हो रही है, ऐसी चीजों पर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, इसलिए मोदी रिकॉर्ड संख्या में मेडिकल कॉलेज बना रहा है, एम्स बना रहा है, आईआईटी बना रहा है, आईआईएम बना रहा है, ऐसे आधुनिक शिक्षण संस्थान मेरे नौजवानों के भविष्य के लिए बना रहा है। मैं चाहता हूं मेरे देश के किसानों की आय बढ़े, वो और सशक्त हो, इसलिए मोदी अपने अन्नदाता परिवार को ऊर्जा दाता और उर्वरक दाता बना रहा है। आज बिहार समेत देश भर में इथेनॉल के प्लांट लगाए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि गन्ना किसानों, धान किसानों की उपज से देश में गाड़ियां भी चले और किसानों की कमाई भी बढ़े। कुछ दिन पहले ही एनडीए सरकार ने गन्ने की खरीद का दाम 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। कुछ दिन पहले ही एनडीए सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है। इसके तहत देश में, बिहार में हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। बिहार के मेरे छोटे छोटे किसान परिवारों का जीवन आसान हो, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। यहां बेतिया के ही किसानों को करीब करीब 800 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के मिले हैं, और इन परिवारवादियों ने आपके साथ क्या किया, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। यहां बरौनी का खाद कारखाना कब से बंद पड़ा था, इन परिवारवादियों को कभी इसकी चिंता नहीं हुई। मोदी ने किसानों को, मजदूरों को इसे फिर से शुरू करवाने की गारंटी दी थी। आज ये खाद कारखाना अपनी सेवा दे रहा है और नौजवानों को रोजगार भी दे रहा है, और इसलिए ही लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, चुनाव में ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं ना, उनको पता है अब वो कहीं के रहने वाले नहीं है, और अपनी हार तय देख इंडी गठबंधन के निशाने पर खुद भगवान राम भी आ गए हैं। यहां बेतिया में मां सीता की अनुभूति है, लव कुश की अनुभूति है। इंडी गठबंधन के लोग जिस तरह
प्रभु श्री राम और राम मंदिर के विरुद्ध बातें बोल रहे हैं ये पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं, और बिहार के लोग ये भी देख रहे हैं कि भगवान श्री राम का अपमान करने वालों का साथ कौन दे रहा है। यही परिवारवादी हैं जिन्होंने दशकों तक राम लला को टेंट में रखा, यही परिवारवादी है जिन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए जी तोड़ कोशिश की। आज भारत अपनी विरासत अपनी संस्कृति का सम्मान कर रहा है, तो इन लोगों को इसकी भी परेशानी हो रही है। साथियों, ये क्षेत्र प्रकृति प्रेमी थारू जनजाति का क्षेत्र है। थारू समाज में प्रकृति के साथ प्रगति की जो जीवन शैली हम देखते हैं वो हम सबके लिए सबक है। आज अगर भारत प्रकृति की रक्षा करते हुए विकास कर रहा है तो इसके पीछे थारू जैसी जनजाति की भी प्रेरणा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि विकसित भारत के निर्माण के लिए सबका प्रयास चाहिए, सबकी प्रेरणा चाहिए, सबकी सीख चाहिए, लेकिन इसके लिए एनडीए सरकार का 400 पार होना उतना ही आज जरूरी है, है कि नहीं है? कितना कितना देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एनडीए गरीबी से लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीए युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए एनडीए गरीबों को पक्के घर देने के लिए एनडीए 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए एनडीए 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए एनडीए देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए विकसित भारत विकसित बिहार के लिए एक बार फिर आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।